हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जिसमें बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने की आपको तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक ये नेचुरली यानी कि आपके घर में ही बहुत ही आराम से ठीक हो सकता है। अगर फिर नहीं होता तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से वो वीक होता है, अगर आपको वो मिलेगा तो बहुत ही जल्दी वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है, वो हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ और साथ में उनकी बात करेंगे जिनको डाइजेस्टिव इशू एक अलग ही लेवल पे हैं, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, कुछ उनके लिए एक रामबाण उपाय है जो आप वीडियो को एंड तक देखें। इसी टाइम में आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिला है। अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहा तो हमारा चैनल बहुत ही जल्द मोनिटाइज हो जाएगा, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। सचिन, जो कि कुछ लोग खाने को च्यू नहीं करते हैं प्रॉपरली, यानी कि उसे चबाते नहीं खाते हैं, एक दो बाइट में ही निकल जाते हैं, तो जो इनडाइजेशन हो जाता है उनको, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा सलाइवा ही बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में। इसलिए आपको तो पहली चीज़ ये करना है कि खाते वक्त आपको प्रॉपरली च्यू करना है फूड को, खाते वक्त आपको फूड को, खाने को अच्छे से चबाना है। तो जो चेंजेस करने हैं वो है आपको अपनी डाइट में, आप सैलेड ऐड कर सकते हैं जो आपको फाइबर देगा, और फाइबर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जंक फूड खाते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको फाइबर नहीं मिल पाता, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आपको फाइबर ऐड करने के लिए आपको कोई भी, आप सैलेड ऐड कर सकते हैं, प्लस आप अपने दिन में कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदा है उसे लेने का, आप लेते ही आपको पता चल जाएगा, वो है एक गुआवा या फिर आप पपाया ले सकते हैं। ये दो चीज़ें, और साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में दही, क्योंकि उससे आपको गुड बैक्टीरिया मिलेंगे जो कि आपको शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वीक है। ये तो हो गई आप जो चेंज कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और एंड में उनकी बात कर लेते हैं जो काफ़ी टाइम से ये इशू फेस कर रहे हैं, उनको क्या करना है। उनको लेना है सौंफ, और साथ में लेना है आपको मिश्री, धागे वाली मिश्री हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको दोनों को पाउडर फॉर्म में बना लेना है, आप जैसे भी चाहें बना सकते हैं उसे पाउडर फॉर्म में, और आपको अपनी मील्स के बाद उसे लेना है। आप दिन में तीन, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है डाइजेशन में, तो आप 3 बार ले सकते हैं इसे पाउडर फॉर्म में, 1-1 चम्मच खाने के बाद पानी के साथ सुबह शाम रात। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे 2 टाइम ले सकते हैं। तो ये थी कुछ आसान सी चीज़ें जिनको यूज करके आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने घर में ही। और यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी डिसीज़ होने की, बहुत सारी बीमारी होने की जो जड़ है वो पेट से ही शुरू होती है, इसीलिए कहते हैं कि पेट सफा हर रोग दफा। आप इसे अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जाते जाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।